हाथरस के बाद यूपी के चित्रकूट में एक गैंगरेप पीड़िता दुनिया से विदा हो गई है। गैंगरेप के बाद 15 साल की दलित लड़की ने अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज न होने के चलते लड़की परेशान थी, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। परिवार के आरोपों के बाद इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। नेताओं का गांव जाना शुरू हो गया है। आज पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पीड़िता के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। पीटीआई ने चित्रकूट के एसपी अंकित मित्तल के हवाले से लिखा है कि 15 साल की लड़की ने मणिकपुर इलाके में अपने घर के अंदर ही मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी ने कहा कि लड़की की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि उनके साथ 3 लोगों ने जंगल में 8 अक्टूबर को गैंगरेप किया था। एसपी अंकिता मित्तल ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपियों किशन उपाध्याय, आशीष और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी किशन उपाध्याय गाँव के प्रधान का बेटा है। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत की गई है। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़की ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि रेप के बाद आरोपी लड़की के हाथ पैर बांध कर फरार हो गए थे और पुलिस ही उसे लेकर घर आई, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी। एसपी अंकित मित्तल ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं। पार्टियों के नेताओं का गाँव जाना भी शुरू हो गया है। नेताओं के अलावा दलित संगठनों के लोग भी गाँव पहुँच रहे हैं, जिससे वहां काफी हलचल पैदा हो गई है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस घटना पर राजनेताओं के बयान भी आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि आपका राज अन्यायी राज है। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, हाथरस के बाद अब चित्रकूट अत्याचार की इंतहा हो गई। एक गरीब दलित की बेटी के बेबसी का अंदाजा लगाइए। उसके साथ हुए गैंगरेप की FIR दर्ज नहीं हुई, उसने आत्महत्या कर ली। आदित्यनाथ जी, आपका राज अन्यायी राज है, जहां गरीब दलित के लिए न्याय नहीं है। आपको बता दें कि घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब हाथरस में 19 साल की दलित लड़की की गैंगरेप के बाद मौत केस की जांच चल रही है। हाथरस में भी पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। यहां तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। ऐसे में अब चित्रकूट के दलित परिवार ने भी शिकायत दर्ज न करने के चलते बेटी द्वारा आत्महत्या का आरोप लगाकर पुलिस पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।